आप ही भारत केवल खबर और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं वंशी, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी देवघर के जसीडीह से बड़ी खबर। देवघर के जसीडीह पेट्रोल पंप कर्मी से 9,61,000 की लूट की घटना को अंजाम अज्ञात अपराध कर्मियों ने दिया है। अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया है और रुपए लूटकर फरार हो गया। घायल पेट्रोल पंप कर्मी का इलाज सदर अस्पताल देवघर में किया जा रहा है। देवघर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं देवघर एसपी के निर्देश पर संभावित ठिकानों में छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। वहीं एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव सदर अस्पताल देवघर पहुंचकर घायल कर्मी को देखने पहुंचे हैं। उनके साथ सदर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह भी मौजूद थे। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। मानिकपुर में पेट्रोल पंप के कॉन्टेंट हिसाब जो है बाइक से जा रहे हैं, उसी में तीन लड़कों के द्वारा जो है इनसे लूट की गई है। इनके अकाउंटेंट को गोली भी मारी गई है और इनके पास जो 9,61,000 रुपया था उसे लूट कर भाग गए। लगातार छापेमारी चल रही है, जैसे कि पुलिस लगी हुई है, वो जल्द ही मामले का खुलासा है। इसमें घटना क्या लग रहा है, स्थानीय लोग जो है या अभी कह रहे जल्दबाजी हो जाए। चौपारण प्रखंड में आज अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण समिति द्वारा एक ऐतिहासिक शोभा रथ यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कई श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस शोभा रथ यात्रा में ढोलबाजी के साथ निकाली गई, लोग खूब झूमे नाचे भी। इस शोभा यात्रा में पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, अभियान प्रमुख शेखर गुप्ता, सह अभियान प्रमुख शंकर सुमन, प्रखंड पंचायत पालक अमित सिंह, कोष प्रमुख पंकज बर्णवाल, बजरंग दल संयोजक हिमांशु, अनिल गुप्ता, अभिमन्यु, सुमंत पांडे एवं विहिप संघ बजरंग दल के सदस्यों के सहयोग से रथ का निर्माण किया गया, जिसमें चौपारण की राम भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। चौपारण 17 मोड़ से केंदुआ मोड़ होते हुए महुदी मोड़ से फिर चतरा मोड़ में भोग लगाकर समापन किया गया। कल से सभी 26 पंचायतों में रथ यात्रा घुमाई जाएगी। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये हम लोग स्लोगन दिया करते थे कि जहां प्रभु राम का घर हो वहीं हम लोग भव्य मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये हम लोग 500 साल पहले सोचे थे। आज हमारा ये काम चरितार्थ हुआ और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देन है कि एक विहिप की अगुवाई में कार्य करके आज प्रभु राम का वहां मंदिर बनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हर जगह जिस तरह से हिंदू समाज खुश हो, जिस तरह से हिंदू एकत्रित हो, वो कार्य किया जा रहा है। कहीं भजन कीर्तन, कहीं टोली मंडली, कहीं कुछ भी, हमारे चौपारण प्रखंड में एक रथ यात्रा की योजना बनाई गई है जो कल से शुभारंभ किया गया है और 2600 पंचायत में यह रथ घूमेगा और हर हिंदू को इस रथ से जोड़ेगा। और हमारा एक ही अभियान चल रहा है, निधि समर्पण अभियान भी इससे है। जिन हिंदुओं को इच्छा हो कि प्रभु राम के मंदिर में मेरा समर्पण जाना चाहिए, तो हमारे यहाँ विधि प्रसंघ के लोग हैं जो निधि समर्पण का कूपन ले घूम रहे हैं, उसके द्वारा भी अरे हमारे रथ जो घूमेगा तो एक परिचय देते जाएगा कि प्रभु राम का, जैसे प्रभु राम लला अपने टेंट वास थे, आज उनका निवास बन रहा है, एक छोटा सा उनका निवास लेके हम लोग परिचय दे रहे हैं कि अब प्रभु राम का वो भव्य मंदिर बनेगा कि पूरे विश्व इसको मानेगा कि भारत जो हिंदुओं का देश है वो विश्व गुरु की ओर अग्रसर है और इसे विश्व गुरु बनाना है। ये प्रभु राम का जो मंदिर बनने जा रहा है ये उसका एकमात्र उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत विहार झारखंड स्थित गर मोड़वा जंगल में सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया गया। ये अभियान हजारीबाग डीएफओ अविनाश कुमार द्वारा चलाया गया। इनके साथ में बरही डीएसपी मनीष कुमार, एसडीओ ताराचंद एवं चौपारण थाना प्रभारी, कई पुलिस जवान भी शामिल थे। जंगल से छापेमारी के दौरान 6 आरा मशीन, एक ट्रैक्टर, एक जनरेटर को जब्त किया गया। सभी जब्त सामान को चतरा मोड़ स्थित वन विभाग के अंदर रख दिया गया है और वन विभाग छानबीन में जुट गई है। ये मशीन किसके द्वारा चलाई जा रही थी? इन्हें ये सूचना लगातार मिल रही थी कि जंगल में कई दिनों से अवैध रूप से आरा मशीन चलाई जा रही है। सभी मशीनों को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के पाथरोल थाना के केवट टोला में बीती रात प्रतिमा विसर्जन के बाद डीजे बजाने को लेकर उत्पन्न विवाद में पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प में कई महिला, पुरुष, बच्चे घायल हो गए थे। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव से पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। घटना से उग्र ग्रामीणों ने आज सुबह पाथरोल थाना का घेराव कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। ग्रामीणों का आरोप है पुलिस ने छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं के साथ भी मारपीट की। वहीं मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी संजय सिन्हा, एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ग्रामीणों से बात
बातचीत कर दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामले को शांत किया। मौके पर एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया, बीती रात डीजे बजाने को लेकर पुलिस द्वारा मना करने पर कुछ लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न कर पुलिसकर्मी के साथ उलझ पड़े। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की गई है, इसकी जांच की जा रही है ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। मौके पर पथरोल थाना प्रभारी मनीष कुमार, चित्रा थाना प्रभारी अनिल सिंह, एसआई चंदन कुमार दुबे, जिला परिषद बलबीर राय समेत पुलिस जवान व ग्रामीण मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। उधर से गाड़ी लेकर और हमारे घर पर एकदम चढ़ा दल को तकर बाद सब बच्चा लोग दिल बिड़ा ला तब गाड़ी घुरा के ले गेलो। सर मूर्ति सजन करके आ रहा था, ठीक है, उसके बाद वार्निंग भी नहीं दिया एक बार कि तुम लोग बहुत रात हो गया है, तुम लोग अब सो जाओ, डीजे बंद कर दो, डायरेक्ट लाठी चार्ज करने लगा। अब बीते रात्रि पथरो थाना अंतर्गत केवट मोहल्ला में डीजे लगा के कुछ लड़के जो है नाच गान कर रहे थे। स्थानीय थाना की गाड़ी जाके जो है डीजे बजाने से मना किया, इसी बात को लेके जो है पुलिस का लोगों के द्वारा विरोध किया गया। फिर आज दिन में जो है स्थानीय ग्रामीण और प्रशासन के बीच में बैठ के जो है जो भी एक रणनीति तैयार की गई कि आने वाले समय में लेट नाइट किसी प्रकार का जो है डीजे या गाना वगैरह नहीं बजाया जाएगा। साथ ही बीते रात्रि घटना में पुलिसकर्मी के ऊपर कुछ आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट की गई है, उसकी जांच की जा रही है, तो उसी व्यक्ति पुलिसकर्मी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को मेरे स्तर से प्रतिवेदन दिया जाएगा। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में लगातार दुर्घटनाएं हो रही। ताजा मामला मकरा मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल टेम्पू एवं पिकअप वैन में टक्कर हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल चालक नीरज कुमार सिंह, टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें दोनों घायल हैं। घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल टेम्पू पिकअप वैन को जब्त कर थाना ले जाया गया, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। करीब 10:30 बजे सूचना मिली मक्का मोड़ के समीप एक टेम्पू जिसका नंबर J07H9561, एक पैशन प्रो बाइक जिसका नंबर J01DE6012, और एक पिकअप वैन जिसका नंबर आपका J01DS8771 के बीच में टक्कर हो गई थी, जिससे दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जिसका नाम है धीरज कुमार सिंह को घाघरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, एवं टेम्पू चालक कमलजीत उराव को भी मामूली चोट आई है, जिसकी वजह से उसको घाघरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोनों की स्थिति बिल्कुल ठीक है अभी, और पुलिस प्रशासन के द्वारा बाइक को, टेम्पू को एवं पिकअप वैन को थाना परिसर में ले जाया जा रहा है। नगर विकास विभाग रांची झारखंड सरकार के सौजन्य से मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में नाली और सड़क, वार्ड नंबर 6 में कलभट्ट नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास नपा उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन व वार्ड पार्षद नेकी खातून सनोवर यास्मीन द्वारा किया गया। आपको बता दें वार्ड नंबर 20 में 9,99,000 रूपये से नाली सड़क का निर्माण किया जाएगा, जबकि वार्ड नंबर 6 में 5,30,000 रूपये से कलभट्ट व नाली का निर्माण किया जाएगा। मौके पर नपा उपाध्यक्ष ने बताया, वर्तमान में नगर परिषद बोर्ड काफी सक्रिय है, सभी वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड में योजना का लाभ पहुंचा रही हैं। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। ये जो वर्तमान में हमारी बोर्ड चल रही है, ये काफी सक्रिय है कि जनता की जो एकदम निचले स्तर की जो समस्या है उन स्तर तक नीचे पहुंच के लोगों को हम लोग विकास से जोड़ रहे हैं। ये इलाका बरसात में पूरा डूबा हुआ रहता था, यहाँ के लोगों को आने जाने में काफी तकलीफें होती थी। इसके लिए हमारी जो वार्ड पार्षद की पार्षद हैं, मौसी जो हमारी हैं, ये सक्रिय हैं और अपने वार्ड के विकास के लिए हर वक्त ये तात्पर्य रहती हैं। बोर्ड पे हम लोगों पे एकदम चढ़ी रहती है कि हमको हमारे वार्ड में विकास देना पड़ेगा। मैं तो यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा जनप्रतिनिधि इस वार्ड से आपको बना के आप दिए हैं, ये आपकी विकास का काम कर रहा है। नगर परिषद इनके हर योजनाओं को प्राथमिकता के साथ उतारने का प्रयास करता है। ये वार्ड नंबर 6 जो हमारा है, काफी सुदूर बिल्कुल एकदम गरीब तबके के लोग यहाँ बसे हुए हैं, इसलिए विकास के रास्ते पर इनको चढ़ा चुके हैं। आने वाला समय में ये इलाका काफी बेहतर और बहुत ही अच्छा ये इलाका बनने जा रहा है। मीना बाजार लीला हल्दार रोड में रोड प्लस
नाला का शिलान्यास किया गया। यह नाला बहुत ही अत्यंत आवश्यक था क्योंकि हमेशा यहाँ गंदा पानी बहता रहता है, लेकिन इस रोड की चौड़ाई बहुत कम थी जिस कारण इस रोड में 20 से नाला दिया गया है जिससे गाड़ी को भी कभी आने जाने में असुविधा न हो। और उसके बाद 10-10 फीट पे इसमें एक उठने वाला स्लेब रहेगा जिससे सफाई में कभी कुछ तरह का दिक्कत नहीं होगी और 100% स्लेब दिया जाएगा। यहाँ समस्या खराब होता है बरसात में, नाली बन जाने के बाद जनता खुश भी रहेगा, उन लोग का कठिनाई से दूर होगा। मशरक थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मशरक बोर्ड मिडिल स्कूल मशरक बीआरसी पर पुलिस सप्ताह के अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर जिसमें चार्ट पेपर कलर स्केच सभी सामग्री सभी को यही दिया गया। चयनित पेंटिंग प्रतिभागियों को जिला पुलिस द्वारा प्रशस्ति पत्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी विद्यालय के लगभग बच्चे अपने चयनित छात्र छात्राओं को दहेज प्रथा कोविड शराबबंदी पर चित्रलेखा कराया गया। इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह ने भी छात्रों को पेंटिंग पुलिस को हर वक्त सहायता करने की बात कही जिसमें मुख्य रूप से मशरक उच्च विद्यालय के शारीरिक शिक्षक संजय कुमार सिंह बीआरसी रहमत अली कुंदन सिंह समाजसेवी छोटा संजय पूर्व मुखिया मधु सिंह मुखिया प्रत्याशी आदि सैकड़ों लोग शामिल थे। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। के अवसर पे हम लोग के विद्यालय से सारे बच्चे आए हैं और हमें आमंत्रित किया गया। हमारे स्कूल के सारे बच्चे विद्यालय के मतलब इसमें प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। सारे बच्चे अच्छे से, पुलिस अंकल वो बहुत अच्छे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं, वो लोग हमेशा काम करते रहते हैं, लोग हमारी सुरक्षा के लिए वो लोग बहुत अच्छे हैं लोग, और वो हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, अपने घर को छोड़ के फिर भी हमारे लिए बहुत काम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। नाम क्या है बताएं? मेरा नाम मोनम गुप्ता है, मैं मशरक की निवासी हूँ, मेरा घर गोला में है, मशरक गोला में है। सिजुआ स्टेडियम में वार्षिक सुरक्षा सप्ताह के तहत बीसीसीएल द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें बीसीसीएल के सभी एरिया अपना अपना स्टॉल प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन का मुख्य अतिथि सीएमडी एवं डीजीएमएस के टीम होंगे जो हर एरिया के प्रदर्शन को देखकर प्राइस का भी निर्णय करेंगे। इस प्रदर्शन को लेकर बीसीसीएल एरिया 12 पूरी तरह से तैयार है। उत्साहित खान सुरक्षा अधिकारी माधव बनर्जी ने बताया हमारा विषय आकर्षक एवं प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है जो मनोरम दृश्य द्वारा एरिया 12 को दर्शा रहा है। जून कुदर इको पार्क का मनोरम दृश्य पंचायत रोड दही बाड़ी के पानी से भरा खद्यान जहां से फिल्टर पानी क्वार्टरों में सप्लाई किया जाता है। भी पॉइंट ओबी डंप के दो पहाड़ों पर हरियाली किनारे तीन प्रकार के वृक्षारोपण किए गए हैं जिससे कि छोटे बड़े हर प्रकार के जीव जंतु को आहार मिल सके, ऐसे कई वास्तविक दृश्य को दर्शाया गया है। इस दृश्य को अंतिम रूप देने में हमारे कई अधिकारी कर्मचारी कई दिनों तक जी तोड़ मेहनत किए हैं तब जाकर अंतिम रूप दिया गया। श्री माधव बनर्जी ने यह भी बताया उम्मीद है प्रदर्शनी में इस बार एरिया 12 अव्वल रहेगा। निरसा से मलय गुप्त की रिपोर्ट। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें हम लोग को हर एक एरिया का इलेक्ट्रो करके स्टॉल दिया जाता है। उस स्टॉल में हम लोग का क्या एक्टिविटीज है एवं नया कुछ इनोवेटिव आइडिया हम लोग कुछ किए कि नहीं वो सब हम लोग उस स्टॉल में रखते हैं सबको दिखाने के लिए। इसमें कौन कौन एरिया भाग लेने, लगभग कितना एरिया भाग लेने जा रहा है? सब एरिया टोटल बीसीसीएल का सब एरिया भाग ले रहा है। पूरा कोल इंडिया फिर कोल इंडिया नहीं, सिर्फ बीसीसीएल का चीफ गेस्ट हम लोग का रहेगा सीएमडी साहब एवं हमारा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी डीजीएमएस जो हेड है प्रभात कुमार साहब, ये दोनों आदमी हम लोग का वहां पर चीफ गेस्ट रहेगा। वो लोग हर एक स्टॉल को विजिट करेगा। ये प्रदर्शनी कहाँ होगा सर? ये होगा आपको सिजुआ स्टेडियम में, टाटा स्टेडियम जो है सिजुआ में। हाँ ना, बीसीसीएल का स्टेडियम, बीसीसीएल का स्टेडियम है ना, बीसीसीएल का फुटबॉल स्टेडियम जो है उसी में होगा। तो हम लोग स्टॉल में ये तो इको पार्क का हम लोग इसमें सर क्या क्या दिखाने की कोशिश किया गया है सर? ये लोग हम लोग जो प्लांटेशन किए है ना इको पार्क में, तो प्लांटेशन एवं पार्क जो बनाए हम लोग, इको रेस्टोरेशन पार्क जो बनाए उसी को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। उसमें तीन तरह का प्लांटेशन है, बड़ा पेड़, मीडियम पेड़ एवं छोटा पेड़। एवं उसमें एक तो पार्क की हम लोग व्यवस्था की है और जो पुराना खदान है वो एक तो तालाब हम लोग उसमें यूज किए जिसमें से हम लोग का पंपिंग होता है। हर एक कॉलोनी में पंपिंग में वहीं से पानी जाता है फिल्टर होकर। इसको बनाने में से कितना दिन लगा सर? कितने लोगों का सहयोग लगा सर? कितने लोग लगाए? इसमें 4-5 आदमी लगा है।
मेन है अमित सिन्हा जो हम लोग का एनवायरमेंट ऑफिसर है, इसी का देख देख में हुआ है। बाकी प्रताप पोलाय एवं डब्ल्यू रजवा ये दोनों मेन कारीगर था, लोग मिलके आओ इसका साथ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।